तो बच्चों आपका स्वागत है मेरे चैनल अखिलेश सरस्वती क्लासेस में और आज हम शुरू करेंगे क्वाड इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं है जो सॉल्व हमने पहले करा इंट्रोडक्शन में, वही चीज़ बोली है कि फाइंड द जीरोज यानी रूट्स। भाई देखो रूट्स जो है, मैंने पहले ही बोला रूट्स या मैं बोल दूँ जीरोज या बोल दूँ मैं सॉल्यूशन, इन सबका मतलब एक है, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होना, आपको इनका सॉल्यूशन करना है विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, बाकी ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, है ना, ये इसकी मैं इक्वेशन बना दूंगा, उसके बाद आप करोगे, ये मैं कर दूंगा, ठीक है। तीन क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है। तीन कौन कौन से करूंगा मैं, एक ये करूंगा, एक ये और एक ये, मैं इसको थोड़ा हिंट आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन देखें तो क्या बोला इसमें, इसमें बोला एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। अब याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था कि ए और सी को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस टेन। कितना आया, माइनस टेन। अब ऐसे दो नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस टेन आ जाए और ऐड करें तो माइनस का थ्री आ जाए। तो सबसे पहले देखो नंबर कौन कौन से बन रहे हैं, बेटा एक ही बन, दो नंबर बन सकते हैं, टू और फाइव, है ना, और एक नंबर नेगेटिव जरूर होगा, और यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो जो बड़ा नंबर होगा वही आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बढ़ गए। चलिए एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ एक्स है, आप जो मर्जी लिख दो, पहले आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैं प्लस टू एक्स लिखता हूँ और माइनस का फाइव एक्स और माइनस टेन इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू बच जाएगा, और यहाँ से माइनस फाइव कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, क्या बन गया, x माइनस फाइव एंड x प्लस टू इक्वल टू जीरो। आपको क्या चाहिए, रूट्स चाहिए, और रूट्स के लिए क्या करते हैं हम, रूट्स के लिए याद होगा आपको, रूट्स के लिए x माइनस फाइव और x माइनस टू, x प्लस टू इक्वल टू जीरो है, तो क्या करेंगे, इसको x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो रखेंगे और इसको x प्लस टू इक्वल टू जीरो रखेंगे। यहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू फाइव और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशन हो गए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप करोगे बिल्कुल एज इट इज सेम है, ये हो जाएगा 12, है ना। जब आपका नंबर बनेगा माइनस 12 तो दो नंबर बनाओ, क्या होगा, 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और जब भी यहाँ पे 1 होगा तो समझ जाओ कि मल्टीपल करने के बाद जो नंबर है, दोनों नंबर हैं, उन दोनों का डिफरेंस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, आसानी से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखो जैसा है, जैसा आपने पहले क्वेश्चन में मैंने कराया, सेम वही काम करना है आपको सेकंड इक्वेशन में, बट आप अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। जो चीज़ मैंने कराई थी वही करा देना, अपने आप समझ में आएगा आपको। जैसे देखो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस में सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो, आप इसको इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा भाई, फाइव रूट टू इन टू में रूट टू, तो ये तो फाइव हो गया, और इन टू में रूट टू टू हो गया, कितना आ गया, टेन। तो यानी टेन ऐसे नंबर है जिनको, दो नंबर ऐसे लो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाए और ऐड करूं तो 7 आ जाए। तो देखो 2 एंड 5 साफ साफ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल एज इट इज, इसको हटाते हैं, क्या लिखें, तो भैया रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5 रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब आप कहोगे सर यहाँ तो नज़र आ ही नहीं रहा रूट कॉमन क्या है भाई, तो रूट यहाँ देखो ना, यहाँ रूट टू है और यहाँ पे टू है, इसका मतलब है इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, भाई रूट टू इन टू में रूट टू को लिख सकते हो टू, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इसको इसमें भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स, ठीक है, प्लस में फाइव एक्स प्लस में फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा रूट टू एक्स कॉमन आ गया, क्या बच गया, एक्स प्लस रूट टू, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस का फाइव, तो क्या बचा, एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस रूट टू और बच गया रूट टू एक्स प्लस फाइव, है ना, ये और ये एक साथ, ठीक है, इक्वल टू जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एक्स प्लस में रूट टू आ गया है और एक आ गया है टू रूट टू एक्स प्लस में फाइव इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब हुआ कि एक्स प्लस में रूट टू होगा इक्वल टू ज़ीरो और रूट टू एक्स प्लस में फाइव इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ से एक्स की इक्वल टू आ गया माइनस रूट टू और यहाँ से रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव और एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई रूट टू। देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं,
समझाने वाली चीज़ वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर आपको मेनली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका एक्सरसाइज में सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है ना, किसी भी कारणवश नहीं आ रहा। भाई मान लो हमारे एग्जाम्पल ही सफिशियंट नहीं है आपके लिए, है ना, आपके एग्जाम्पल जितने कराए हैं मैंने वो भी आपको सफिशियंट नहीं है और फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर आप जो है उसका भी सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन और थर्ड मैंने करा दिया है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ और इसको भी मैं पूरा सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8=0। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अलग चीज़ नहीं है, चीज़ वही है। आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 8। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 16x² - 8x + 1=0। इसको उधर भेज दो, क्या बन जाएगा, 16x² - 8x + 1=0। अब आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपको थोड़ा आगे सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद आप आराम से सॉल्व इसको कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अब मैं करा रहा हूँ आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, 100x² - 20x + 1=0। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 100 बनेगा। अब 100 के ऐसे दो नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए और ऐड करें तो ये आ जाए। अब देखो सिंपल सी सीधी बात है, ये है नेगेटिव, ये कैसा है नंबर, नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है नंबर दोनों नेगेटिव ही होंगे। जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा एडिशन के बाद में, है ना। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, अगर आप बेसिक चीज़ समझ लेते हो तो आगे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नंबर क्या हो सकते हैं, देखो नंबर हो सकते हैं, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर बनाऊं, देखो मुझे नहीं पता चलो 100 इससे कैसे बनेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 100 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ये आ गया 2 से जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 आ जाएगा, और फिर 5 से गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसके पेयर बनाने स्टार्ट करो, है ना भाई। हो सकता है कि पहले आप इन दोनों को लो, फिर ये 25 हो गया। अब आप देखो 4 और 25 बात बन रही है, मल्टीप्लिकेशन से तो बात बन रही है पर एडिशन से नहीं बन रही बात। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फिर मैंने इसको ऐसा किया, इन दोनों, इन तीन को मल्टीप्लाई अलग कर लिया, इस 2 को अलग रखा, तो 2 और 50 अभी भी बात नहीं बनी, है ना। इतना बड़ा नंबर है, 100 तो आ रहा है पर ये देखो -52 आ रहा है। तो मैंने ऐसा करा कि एक 2 और 5 इसका पेयर बनाया, यानी 10 और दूसरा भी 10, तो क्या हो गया, ये देखो चेक करो। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा और ऐड करोगे तो -20 आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम, तो ये जाएगा 100x² - 10x + 1=0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 10x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 10x और माइनस का कितना बच जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि 10x था वो तो बाहर ले लिया, जब यहाँ पे 10x था वो बाहर ले लिया तो क्या बच गया, 1, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, जब कुछ भी कॉमन नज़र नहीं दिख रहा आपको इसका मतलब 1 होगा कॉमन। ठीक है, क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 10x - 1=0। तो 10x - 1 और 10x - 1=0। अब क्या करना है आपको, सिंपल वही कि 10x - 1=0 और दूसरा भी 10x - 1=0। तो 10x = 1 एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10x = 1, तो x की वैल्यू होगी 1/10 एंड x की वैल्यू होगी 1/10। तो इस तरीके से आपके बाकी दोनों भी सॉल्यूशन आ गए और ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इसमें आपको ये और ये क्वेश्चन करना है बस। ठीक है, अगर ये नहीं भी होते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हो कि सर नहीं हुए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले बता दूं आपको, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर बोला है कि एग्जाम्पल जो 1 हमने डिस्कस किया है, जॉन एंड जीवंती वाला जो मार्बल्स वाला था, उसमें जो इक्वेशन बनी है ना उनको आपको सॉल्व करना है। वो इक्वेशंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब क्योंकि वो हम एग्जांपल अपने फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, इक्वेशन बना चुके हैं, और इक्वेशन इतनी टेढ़ी नहीं है, इक्वेशन ऐसी ही बनी हुई है, जैसे ये वाली इक्वेशन है, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इस तरीके की इक्वेशन बनी है, वहाँ पर आप आराम से जाओ देखो सॉल्व करना सीख लो। ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाया था, सॉल्व करना नहीं सिखाया था। अब मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, वो आप जाके वहाँ से इक्वेशन निकाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब सीधा बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोला है फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। भाई सम कितना है, सम आपको दे रखा है 27 एंड प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट दे रखा है 182। अब समझो जरा,
क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम दो वेरिएबल नहीं ले सकते। क्योंकि अब तक क्या था हमारा, अब तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहाँ टू वेरिएबल्स ले सकते थे, बट यहाँ नहीं ले सकते। आप सोचो कि मैं एक नंबर को मान लेता हूँ x और दूसरे को मान लूँ y, तो आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 27। भैया ऐसे नहीं ले सकते आप, है ना, आप एक वन वेरिएबल में ही बात करोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर जैसे मैं आपके बात कर रहा हूँ कि आपके पास और मेरे पास, है ना, आपके पास और मेरे पास मिला के 100 रुपीज़ हैं, ध्यान समझना बच्चों, अगर आपके पास और मेरे पास मिला के कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़। मान लो मेरे पास 40 हैं, तो आपके पास कितने रह गए, 100 माइनस में 40, ठीक है। आपको नहीं पता भाई कितने रह गए, बट ये दोनों के डाटा से जो है वो तो निकाल सकते हो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो नंबर का जो सम है ना वो 27 है, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। देख लो भाई, यही चीज़ मैंने की है भाई, मेरे पास हम दोनों के मिला के x 100 थे, भाई मेरे पास 40 है तो आपके पास कितने होंगे, 100 माइनस में 40। अगर 27 समय एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस x, है ना, दोनों नंबर आपके सामने है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, भाई ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई, तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 27 माइनस x, ठीक है भाई, ये मिल गए दोनों नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट कितना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 182, रख दो वैल्यू, एक है हमारा x, दूसरा कितना है 27 माइनस x, ठीक है। चलिए 182 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्योंकि देखो आपको बताया कि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो दोनों को उस साइड ले जाओ, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू 182 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 27x। अब सबको चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो सारी साइड्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 27x और प्लस में 182 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई बच्चों, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसको सॉल्व करना है और आपको बताना भी है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये नंबर जो है ना, दोनों नंबर वो ये वाला और ये नंबर, नंबर कौन से हैं आपको, ठीक है, ना आपको नंबर भी बताने हैं। चलिए तो क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने इसको कैसे कराया था भाई, 182 भाई मुझे नहीं पता, मैं खुद ही बोलता हूँ मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, क्या बनेगा, मेरे को नहीं पता। तो क्या करेंगे भाई, तो हम ये करेंगे कि इसको जो मैंने आपको सिखाया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करनी चाहिए, बस वो मैंने अप्लाई कर दिया भाई। 2 से जाएगा 91, फिर 7 से जाएगा तो कितना हो गया, 1, 3 और 13, ठीक है। अब देखो ऐसा करता हूँ मैं, इसका और इसका अलग से पेयर बनाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 14 और 13 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा, ऐड देखना कितना आएगा, आएगा ये बिल्कुल ठीक है, बन गया ही तो, है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 13x प्लस में 182, अब इसका काम खत्म, इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x यहाँ से कॉमन आएगा, x प्लस 14 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से 13 कॉमन आएगा, और यहाँ से x प्लस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या रहा, x प्लस 13 और ये जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम बात करें, x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, माइनस यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी आपकी, माइनस एक मिनट बच्चों, ये एक गलती हुई है कि यहाँ पे ये जो माइनस आना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो देखो यहाँ पर भी ये माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों नंबर, बाकी कोई चेंज नहीं है बच्चों, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा इक्वल टू, तो यहाँ से जो दो वैल्यू आएंगी आपकी x की, एक आएगी 13 और दूसरी आएगी x इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू आई x की वो ये फर्स्ट नंबर है, तो ध्यान रखना, अगर आपने फर्स्ट नंबर, ठीक है देखो, अगर फर्स्ट नंबर आपका x है और जिसकी वैल्यू 13 है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, तो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 27 माइनस x, इसका मतलब हुआ 27 माइनस 13 यानी 14, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट नंबर को x जो है वो 14 माना, तो जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो आपका 27 माइनस 14 यानी 13 हो जाएगा, याद रखना बच्चों।
ऐसा नहीं है कि आपका ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड नंबर हो गया, क्योंकि आंसर भी यही है ना। आंसर भी देखो क्या है भाई, अगर 13 है तो 14 सेकंड नंबर है, और अगर 14 फर्स्ट नंबर है तो सेकंड आपका सेकंड नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे आई भी वही नंबर है। तो कंफ्यूजन ये हो जाती है कि भैया यही दो नंबर है, एक ये रहा एक ये रहा, नहीं एक ये और एक ही नहीं है। ये अगर आपका ये पहला नंबर है तो दूसरा नंबर ये है, और अगर आपका पहला नंबर ये है तो दूसरा नंबर ये, अलग अलग सॉल्व होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, खासकर यहाँ गलती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहले याद रखना, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, टू पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो भूल जाना कि नेगेटिव होगा, इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम किसका है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, वो कितना है? 365। ठीक है, मैं ये थोड़ा रफली लिखा हुआ है मैंने, आप सही से लिखना भाई। दो नंबर हैं, दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, आपको पता ही होगा कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हम बोलते हैं कंटिन्यूस नंबर, जैसे 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15 है ना, और 21, 22 है ना, यही बोल सकते हैं, 19, 20 यानी दो एक साथ नंबर है ना, उनको हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर, एक साथ है ना। तो ये जो नंबर है, अगर मान लो फर्स्ट नंबर है x हुआ, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? जो सेकंड नंबर होगा देन क्या हो जाएगा? x प्लस वन। अगर हमारा ये फर्स्ट नंबर हमारा जो x है, तो दूसरा नंबर x प्लस वन हो जाएगा। आगे क्या बोला? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, वो मैंने रफ लिखा हुआ है अपने समझाने के लिए, कि मैं बार बार क्वेश्चन भूल ना जाऊं कि क्या वैल्यू दी थी, इसलिए मैं वो अलग लिख लेता हूं, बट आपका जो सॉल्यूशन है वो यहां से शुरू होता है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा भाई? ये लो, ये स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका सम कितना है? 365। चलो बस आ गया काम, तो आपका आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में 2x इज इक्वल टू 365। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस 365 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 365 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से भी आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस का 182 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान रखो, देखो ये जो नीचे जाएगा ना, ये जो 2 है वो नीचे जाएगा, तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी, जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई अब आपकी। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। अभी भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप करते हो 182 को, तो 2 से जाता है तो कितना बनता है? 91। फिर 7 से जाएगा, कितना बनेगा? 13, और फिर 13, और अभी अभी बनाए थे हमने ये 14 और 13। बट बात यह है कि यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 182 चाहिए। क्या चाहिए? माइनस चाहिए। अब माइनस चाहिए तो एक नंबर तो होगा पॉजिटिव, एक नंबर होगा नेगेटिव, बट अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो ये डिसाइड करेगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, नेगेटिव जो नंबर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे नंबर होंगे। रख दो यहाँ पे, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। इसका काम खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, हमेशा ये बहुत बड़ी हेल्प करेगा आपको, चाहे कितना भी बड़ा हो, थाउजेंड्स भी नंबर होगा ना, तब भी आपको ये हेल्प करेगा। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया तो x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ गया तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो x प्लस में 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, दो नंबर बनेंगे आपके x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, और दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 13। अब देखो जैसे ही आपके पास ये नंबर आते हैं ना, आप समझ जाओ कि ये आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही मैंने बोल दिया था टू पॉजिटिव इंटीजर कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका नंबर हो गया। अब देखो ये आपका फर्स्ट नंबर है, 13
ये आपका फर्स्ट नंबर है, इसको मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 13। बट आपका जो सेकंड नंबर है ना वो x प्लस 1 है, इसका मतलब 13 प्लस 1 तो 14। अब कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया, ये हमारा सेकंड नंबर आ गया, या ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया, ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी जो आपने यहाँ पर रिज्यूम की हुई है, जहाँ जो यहाँ पर लेट की हुई है, उसके अलावा दूसरा नंबर है वो केस यहाँ से निकलेगा, ना कि ये जो आंसर आ रहे हैं वो आपके राइट आंसर होंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम आंसर भी आपको दिख रहे थे, बट एक को ही आप मान सकते हो, एक ही आपका आंसर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कैसे दोनों नंबर का आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ पहले। ठीक है, ये देखो ये राइट ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ले लिया और एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, है ना, बेस से 7 कम है। तो ऐसा करता हूँ, बेस को मैं x मान लेता हूँ और इसको क्या मानूंगा, इसको मानूंगा मैं x माइनस 7। ठीक है भाई, बेस को क्या माना भाई, ये जो एल्टीट्यूड है इसको हाइट मैंने बोल दिया, ये जो हाइट है वो क्या है, वो बेस से 7 कम है, तो इसको मैंने x मान लिया, तो इसको मैंने x माइनस 7 मान लिया, क्योंकि जो हाइट है वो बेस पे डिपेंड करती है। और ये आपको याद होगा, जितने ही बच्चों ने मेरी पहली वीडियो भी देखी होगी उनको पता होगा मैंने यही बोला था कि जो चीज़ जिस चीज़ पर डिपेंड करती है उस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो भैया पहले नंबर पे ही दूसरा नंबर जो है पता लगा सकते हो आप। ठीक है, पहला नंबर पता होगा तभी तो उससे अगला नंबर जो आपका सेकंड नंबर होगा। तो अगर आपने एक ये लेट कर लिया तो आपका अगला नंबर मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको बेस पता होगा तो आपको हाइट पता चलेगी। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंड हाइपोटेन्यूज 13, ये हमारी 13 दे रखी है, एंड फाइंड दी अदर टू साइड्स। ओके, तो देखो बच्चों आपको बाकी दो साइड चाहिए, तो आपको याद होगा आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ट्राइड्स बनते हैं। भाई देखो यहाँ 13 लिखा है, तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है ये 12 आएगा और ये 5 आएगा, ये मुझे पता चल रहा है ऐसे। पर हम सॉल्व करके भी निकाल के देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। अब यहाँ लगेगी पाइथागोरस, पाइथागोरस लगेगी मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में यह जाएगा आपका x का होल स्क्वायर, यह जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और इसको भी इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा प्लस में 49 और माइनस का 169, ये जीरो रह जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 99 चला गया 2 यानी 120। ठीक है, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ये क्या लिख सकते हो आप 2x स्क्वायर, और वो भी कॉमन लेके लिख रहा हूँ मैं, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये खत्म हो गया भाई, यहाँ नीचे भेजेंगे तो खत्म हो गया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब वही काम करना है, क्या इसको सॉल्व करना है आपको, माइनस 60 दो नंबर आपके जो 7 भी आना चाहिए, तो भाई मुझे याद नहीं आ रहा कैसे करना है, तो मैंने क्या करा ये बनाया 60 30 15 5 5। ठीक है, अब रैंडमली पेयर बनाने स्टार्ट करो, मान लो मैंने ये दो एक साथ ले लिए और ये एक साथ ले लिया, कितना बना 4 और 15, क्या बात बनेगी। देखो मल्टीप्लाई पे तो ये आएगा, पर एडिशन पे क्या चाहिए, नंबर आपका माइनस 7 आना चाहिए, तो माइनस है तो इस पर माइनस लगाएं, इस पर प्लस लगाएं, तो बात बन रही है 11 आ रहा है, नहीं बन रही। तो ऐसा करते हैं हम इसको और इसको ले लेते हैं, मतलब 10 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, इससे बात बन रही है। देखो तो माइनस या प्लस, बात तो 60 तो आ रहा है बट हमारा माइनस 7 नहीं आ रहा। चलिए और दूसरा देखते हैं, तो क्या हो सकता है भाई, ऐसा करते हैं इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं, मतलब ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 5। अब देखें माइनस प्लस, चेक करो मल्टीप्लाई पे तो ये आएगा भाई, एक माइनस एक प्लस है तो मल्टीप्लाई पे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करें तो ठीक है आ गया, है ना। तो ये हमारे जाएंगे नंबर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बस इसका काम खत्म हो गया, आगे हमें आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बच गया, और प्लस में 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12 बच गया इक्वल टू जीरो। तो यह जाएगा x माइनस 12 और ये x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। यहाँ से दो नंबर आएंगे आपके x माइनस 12 इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 12, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अब देखो क्या था ये देखो डिस्टेंस मतलब एक तरीके से लेंथ है, और आपको पता है मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि कॉमन सेंस का भी थोड़ा यूज़ करना है। और वो क्या है भाई, देखो नेगेटिव कभी भी लेंथ नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी भी लेंथ नहीं होगी। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, यानी बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, क्या बोला भाई, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था कि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू ये 12 आएगी और ये 5 आएगी, और वही हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना है। और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दो कि लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 12 एंड एल्टीट्यूड इज 5, बस हो गया काम। ठीक है, चलिए हमारा एक क्वेश्चन और है लास्ट, उसको और कर लेते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है, एक बार मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं अपने हिसाब से लिख लूँगा, है ना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। भाई कुछ बनाते होंगे एक डे में, मैं रफली लिख रहा हूँ, एक डे में मान लेता हूँ मैं अपनी तरफ से एक्स बनाते हैं, ठीक है, ओके। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच आर्टिकल इज 3। कॉस्ट ईच आर्टिकल की कॉस्ट, ये रफ काम मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं किसकी कर रहा हूँ, इसलिए याद रखना कि आपको ध्यान रखना है जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे। तो भैया 3 मोर 2 टाइम्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे, ओके हो गया। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द डे, उस डे में टोटल प्रोडक्शन जो होगी, टोटल जो कॉस्ट होगी, टोटल प्रोडक्शन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो दे रखी है वो 90 दे रखी है। भाई मैंने ये रफ काम किया अभी तक, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल्स, ठीक है, चलिए ये हमारा खत्म हो गया। देखिए अगर मैं ये लेट कर लूँ कि मेरे पर्टिकुलर डे में, एक डे में कितने आर्टिकल्स बनते हैं, भाई इतने टॉयज बनते हैं, ठीक है, इतने आर्टिकल्स अगर बनते हैं एक डे में, और एक की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी भाई, 3 मोर देन, भाई मैंने लिखा था 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन वन डे, ठीक है। अच्छा टोटल कॉस्ट ये क्या था, ये टोटल कॉस्ट थी, तो टोटल जो कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर डे, यानी किसी पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट है टोटल, वो ये बनी भाई, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना। तो भाई टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, भाई टोटल कॉस्ट देख, एक दिन में अगर आपको ये निकालना हो कि मेरी फैक्ट्री में जो टोटल कॉस्ट बनेगी किसी की, देखो मेरे, मुझे ये पता है कि मेरे आज दिन में इतने आर्टिकल्स बने, और एक एक की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी भाई, इसको मल्टीप्लाई करके आएगी ना, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू में कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू में कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, या मैं बोलूँ कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू में नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, यही होगा बट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट दी हुई है 90, और कॉस्ट फॉर द वन आर्टिकल कितना है, ये री 3 + 2x, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनते हैं x, ठीक है। भाई आपको हो सकता है, आपको पहली बार में लग रहा हो कि मैंने क्या कर दिया, आप इसको दोबारा से भी देख सकते हो, और एक बार क्वेश्चन पहले ना जब मेरा, मैंने ये समझा दिया उसके बाद एक बार क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ा, मेरी तरफ से सुना तो ठीक है, अच्छी बात है, बट आपको भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बाद में आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस में 2x स्क्वायर, तो कितना, इसको भी इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 90, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x स्क्वायर
प्लस में 3x माइनस का 90 इक्वल टू ज़ीरो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व करें तो कितना जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 90। अब देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो आया माइनस का 180। अब आपको पता है कि दो नंबर जो मिलेंगे वो उसमें से एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, बट हम बनाएं कैसे, तो ऐसा करते हैं वही काम बार बार यहाँ पर ना दिमाग लगाने से बेटर है, यहाँ बार बार दिमाग लगाने से बेटर है यहाँ दो मिनट का काम कर लें, दो मिनट भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से एक मिनट लगेगा और सारा काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। चलिए आ गया 90, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। यहीं से काम बन गया और ठीक है, लो जी बन गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 15, ठीक है ना भाई। यहाँ तो 15 ही आएगा ना डायरेक्ट भाई, 15 जो पेयर बनेंगे 15 के बनेंगे, है ना। तो ये जाएगा 12 और ये जाएगा 15, करो एक बार मल्टीप्लाई, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो माइनस 180 आया, ऐड करो प्लस का 3 आया, लगा दो इसमें 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में 15x और माइनस का 90 इक्वल टू 0, ख़त्म काम इसका। उसके बाद इसमें कॉमन लो, क्या जाएगा 2x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉम बच गया और यहाँ से बच गया 6, जब आपने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से तो 6 बचेगा, ठीक है। प्लस में यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 कॉमन आएगा, 3 क्यों 5 कॉमन आ जाएगा, अगर यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो बच गया 3x 15 ही कॉमन आ जाएगा ना डायरेक्ट, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जाएगा 2x प्लस में 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दो बनेंगी इक्वेशन 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2। अब आप समझ गए होंगे ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। और ये आ जाएगा x माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 6, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो आए हैं वो कितने आए हैं 6 आए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनते हैं, अब मुझे नहीं पता शायद टॉयज था कि आर्टिकल्स भी था, है ना, टॉयज मुझे नहीं पता पर आर्टिकल्स मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने प्रोड्यूस होंगे। अब मान लो कॉस्ट पूछ लेते हैं तो कॉस्ट कितनी है, देखो ये रही यहाँ वैल्यू डाल दो कितनी जाएगी 3 प्लस 2 इंटू में 6 कितना हो गया 3 प्लस 12 यानी 15, यानी एक ही कॉस्ट कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब जरा चेक कर लेते हैं ये ठीक है या नहीं है, तो एक की कॉस्ट इतनी है और 6 बनाए तो कितने हो गए 6 × 15, देखो हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है जो हमने किया बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा था सॉल्यूशन ऑफ 4.2 जो कि मैंने आपको करा दिया। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके से आपको 10th, 11th, 12th की इसी तरीके की NCERT का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और अगर आपको ये पसंद आया है इस वीडियो को लाइक कर लें, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक क्योंकि इसका रीज़न लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों गुड बाय।